अब समझिए आप गैसों के द्रवीकरण की विधियाँ, गैसों के द्रवीकरण, गैस या वायु के द्रवीकरण की दो मुख्य विधियाँ होती हैं। नंबर एक है गैसों के द्रवीकरण की लिंडे विधि, अर्थात लिंडेज प्रोसेस या मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और दूसरी है गैसों के द्रवीकरण की क्लाउडे विधि। सबसे पहले आप इसको समझेंगे, ये लिंडे विधि क्या है। सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए आप। देखिए इस विधि में क्या होता है, ये एक रुद्धोष्म कक्ष होता है, ऐसा कक्ष जो अपने आसपास के वातावरण से टेम्परेचर का लेन देन नहीं करता है, वो कहलाता है यहाँ नीचे, इसमें एक निकास द्वार बना देंगे। सबसे पहले आप इसका चित्र बनाते रहिए। देखिए ये चित्र है साधारण सा, अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये है एडियाबेटिक चैम्बर, एडियाबेटिक
चैम्बर यानी रुद्धोष्म कक्ष, ये स्पाइरल ट्यूब, ये जेट, सूक्ष्म छिद्र होता है इसका जिससे वायु तेजी से प्रसारित होती है, ये है आउटलेट फॉर लिक्विड एयर और गैस। कंप्रेसर, यहां से ड्राई और प्योर एयर और गैस, ये है कूलर, हिंदी में कहते हैं शीतलक, और यहां पर इसमें ये भरा हुआ होता है कूलेंट। यहां पर लिक्विफाई गैस या एयर होती है, उसके लिए ये आउटलेट है। यहां लिख देंगे हम लिक्विफाई गैस और एयर। आप लिंडे प्रोसेस या लिंडे मेथड का चित्र देख रहे हैं सामने, जिसमें देखिए ये जो चित्र होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबल टाइप में। जैसे उदाहरण के लिए ये कंप्रेशर है, हिंदी में संपीड़क कहते हैं इसको, ये कंप्रेशर है तो ये ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जो हवा भरने वाले की टंकी होती है उसके ऊपर एक छोटी सी मशीन होती है जिसको मोटर या इंजन घुमाता रहता है, वो कंप्रेशर होता है। तो ये यहाँ पर केवल प्रतीकात्मक बनाए गए हैं प्रतीक के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक कंप्रेशर है, इस कंप्रेशर से शुद्ध या शुष्क वायु या गैस को लगभग 200 एटमॉस्फियरिक प्रेशर पर किसमें भेजा जाता है, ये जुड़ा हुआ है कूलर में। तो इतने शुद्ध और शुष्क वायु या गैस को लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर कूलर में भेजा जाता है। कूलर में ठंडा करने के लिए कूलेंट भरा हुआ होता है, कूलर का काम है उसको ठंडा करना। तो यहां से कूलर में जैसे ही उस गैस को या वायु को भेजते हैं तो वो कुछ ठंडी हो जाती है, और ये ठंडी वायु या गैस कूलर से एक नली के द्वारा जुड़ी होती है एडियाबेटिक चैम्बर या रुद्धोष्म कक्ष से। रुद्धोष्म कक्ष में ये नली जुड़ी हुई होती है एक सर्पिलाकार ट्यूब से, जिसके अंतिम सिरे पर एक सूक्ष्म छिद्र वाला जेट लगा हुआ होता है, सर्पिलाकार ट्यूब या स्पाइरल ट्यूब। यहां से इस एडियाबेटिक चैम्बर से एक नली वापस किसको जुड़ी हुई होती है, इसका नामकरण कर लीजिए, मान लो इसको टी ट्यूब रख दें हम इस तरीके से। ये किससे जुड़ी हुई है, कंप्रेशर से। इसका काम होगा कि जो गैस लिक्विफाई नहीं होगी ऊपर से उसको पुनः कंप्रेशर में भेजना। अब देखिए ये काम किस तरीके से करता है, यहाँ पर ये जेट लगा हुआ है और जेट में से तेजी से वायु प्रसारित होती है या गैस प्रसारित होती है, जिसके कारण जूल थॉम्सन प्रभाव से उसके तापमान में कमी आती है। ये लिक्विफाई गैस या एयर के लिए एक आउटलेट दिया हुआ है, यहाँ से उसको निकाल लेते हैं।
अब देखिए किस तरह ये काम करता है। शुद्ध या शुष्क वायु को लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेसर से कूलर में या शीतलक में भेजा जाता है। शीतलक का कूलर का कार्य होता है उसको ठंडा करना। तो ठंडी गैस कुछ ठंडी, बिल्कुल पूरी ठंडी नहीं हो जाती, उसके तापमान में कुछ कमी आती है और वो एक नली के द्वारा रुद्धोष्म कक्ष या एडियाबेटिक चैम्बर में जुड़ी हुई होती है और वो नली जुड़ी होती है एक स्पाइरल ट्यूब के द्वारा। और स्पाइरल ट्यूब का अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है? एक सूक्ष्म छिद्र वाले जेट से। जब लगभग 200 वायुमंडलीय ताप पर कूलर में ठंडी ये गैस या वायु जेट के द्वारा इस एडियाबेटिक चैम्बर में तेजी से प्रसारित होती है तो जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण इसके तापमान में कमी आती है। ये तापमान में कमी आई हुई ये गैस इस पूरे चैम्बर में भर जाती है, जिससे उस ठंडी गैस के द्वारा ये नली भी ठंडी होती है और इस नली के अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी ठंडी होती है। अब ये फिर जब ये बराबर इससे तेजी से प्रसारित होती रहेगी तो बार बार जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण इसके तापमान में कमी आती रहेगी। अब जो लिक्विफाई गैस है, जो गैस है जो लिक्विफाई नहीं हुई है, वो इससे वापस किस में जाएगी? कंप्रेसर में, और पुनः और भी ज़्यादा ठंडी होती रहेगी। जैसे ही इस गैस का तापमान इसके क्रांतिक ताप से नीचे आएगा तो लगभग 200 वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है वो तुरंत ही क्या होगी? लिक्विफाई हो जाएगी, द्रवित होने लगेगी और द्रवित होकर इस चैम्बर में नीचे इकट्ठी हो जाएगी। किस में? एडियाबेटिक चैम्बर में। और उसको इस आउटलेट के द्वारा बाहर कर लेते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समस्त वायु या गैस द्रवित नहीं हो जाती है, यानी समस्त वायु या गैस के द्रवित होने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे गैस पहली बार आई और कुछ तो कूलर ने ठंडी की, उसके बाद कुछ जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण जब ये जेट के द्वारा तेजी से प्रसारित होती है तो इसके तापमान में कमी आती है। इस तरीके से ये पूरे चैम्बर को ठंडा करती है, वो चैम्बर किसको? नली को ठंडा करता है और नली फिर तेजी से प्रसारित करती है उस वायु को, तो जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण उसके तापमान में फिर कमी आती है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और जो बिना द्रवित हुई गैस है वो इसके रास्ते पुनः वापस उसमें जाती रहती है। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि समस्त गैस द्रवित नहीं हो जाती है। जैसे ही द्रवित होने लगती है वो इस चैम्बर में एकत्र हो जाती है, उसको इस आउटलेट के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है गैसों के द्रवीकरण की, लिंडे विधि की। ये गैसों के द्रवीकरण की लिंडे विधि जूल थॉम्सन प्रभाव वाले सिद्धांत पर आधारित है। तो अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से।